बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, बहुत आभार बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में उद्घोषित करने हेतु। साथियों, ये कदम यहाँ से उठकर यहीं थमेंगे नहीं। स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथा को आगे बढ़ाने का ये शानदार सा काम, बेमिसाल सा काम निरंतर चलता रहेगा। इसी गहराते संकल्प के साथ आज के कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा महोदय से धन्यवाद ज्ञापन हेतु। आज के इस झारखंड के धरती पर भगवान बिरसा मुंडा के पावन स्मृति में स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का राष्ट्र को समर्पण कार्यक्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के लोकप्रिय और दुनिया के लोकप्रिय नेता परमादरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने आज इस भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। मैं आज इस अवसर पर सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का संग्रहालय के उद्घाटन के लिए और पिछले दिनों उनके अगुवाई में जो देश में जनजातीय रणबांकुरों को सही सम्मान मिले, जनजातीय समाज की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उन्हें फिर से जानने का अवसर मिले, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का देश भर के जनजातीय समुदाय को और देशवासियों को यह गौरव दिवस में मनाने का अवसर दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसा अवसर जिसका हम सबको गर्व महसूस हो रहा है और जिन बातों का उल्लेख उन्होंने अपने भावों में अभिव्यक्त किया कि देश भर में किस तरीके से भारत सरकार के और जनजातीय मंत्रालय जिस कार्य को कार्यान्वित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि देश के कई राज्यों में जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया, ऐसे जनजातीय समाज के माटी के लिए धरती के लिए समर्पित हुए लोगों को कैसे जान सके समझ सके संग्रहालयों का निर्माण हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया कि आज हम देशवासियों को खास करके जनजातीय समाज को हमें किस तरीके से आगे बढ़ने का अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ जुड़ते हुए आज के वास्तविक लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए आने वाले दिनों के उन सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध होकर चलने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल जो अपनी गरिमा में उपस्थिति बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं,
मैं उनका हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत में और झारखंड के माटी के लाल की चर्चा की, मैं इस संग्रहालय उद्घाटन के शुभ अवसर पर उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने गरिमामय उपस्थिति के लिए। हमारे कला संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी कृष्ण रेड्डी जी, जो विशेष तौर से झारखंड की कला संस्कृति, देश की कला संस्कृति और अपनी पहचान को निरंतर प्रोत्साहित करते हुए कैसे आगे बढ़ाया जाए, विशेष तौर से यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय दीपक प्रकाश जी का, राज्यसभा सांसद एवं अध्यक्ष जी का। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे राज्य के माननीय मंत्री चंपाई सोरेन जी का। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय स्थानीय सांसद संजय सेठ जी का, नगर के मेयर आशा लकड़ा जी का, यहाँ के विधायक चंदेश्वर प्रसाद सिंह जी का, हमारे राज्यसभा सांसद समीर उरांव जी का, हमारे मुख्य सचिव सहित राज्य के पदाधिकारियों का और यहाँ उपस्थित आप सभी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों का और पत्रकार समूहों का, जिनके गरिमामय उपस्थिति से आज निश्चित रूप से पूरा भारत इस बात को महसूस कर रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा ने किस तरीके से अपनी जमीन की बात की, स्वतंत्रता की बात की, आत्मनिर्णय की बात की और इस माटी के शक्ति को दुनिया से एहसास कराने का, अंग्रेजी हुकूमत के साथ लड़ते हुए इतिहास बनाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो झारखंड के और देश के ऐसे महान जनजाति स्वतंत्रता सेनानी सहित ऐसे विभिन्न समय में लगातार संग्राम करते हुए अपने को समर्पित करने वाले रणबांकुरों की चर्चा की, हम सब सुने और यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम यहाँ से पाथे के रूप में यह लेकर चले कि जिन रणबांकुरों ने इस देश में आहुति देकर हमें यह अवसर दिया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं, उस अमृत महोत्सव को जहाँ चार चांद जनजाति गौरव दिवस के रूप में बल्कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प को हम सब मिलकर के पूरा करने का लक्ष्य को सुनिश्चित करें, इन्हीं आह्वान के साथ मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, मुख्य मंत्री महोदय का, माननीय मंत्री भारत सरकार का और राज्य सरकार के मंत्री सहित सांसद एवं विधायक एवं सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।